और तब बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मेयर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट्स अ स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। जिस स्पिरिट की बात बाबा साहब कहते थे वो बहुत ही अहम है। देश काल परिस्थिति के हिसाब से उचित निर्णय लेकर हम संविधान की समय समय पर व्याख्या कर सकें, ये प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें दिया है। हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि भारत की आकांक्षाएं, भारत के सपने समय के साथ नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। वो जानते थे कि आजाद भारत की और भारत के नागरिकों की जरूरतें बदलेगी, चुनौतियां बदलेगी, इसलिए उन्होंने हमारे संविधान को महज कानून की एक किताब बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि इसको एक जीवंत निरंतर प्रवाहमान धारा बनाया। साथियों, हमारा संविधान हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। बीते 75 वर्षों में देश के सामने जो भी चुनौतियां आई हैं, हमारे संविधान ने हर उस चुनौती का समाधान करने के लिए उचित मार्ग दिखाया है। इसी कालखंड में आपातकाल जैसा समय भी आया और हमारे संविधान ने लोकतंत्र के सामने आई इस चुनौती का भी सामना किया। हमारा संविधान देश की हर जरूरत, हर अपेक्षा पर खरा उतरा है। संविधान से मिली इस शक्ति की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर में भी बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू हुआ है। आज वहां पहली बार संविधान दिवस मनाया गया है। साथियों, आज भारत परिवर्तन के इतने बड़े दौर से गुजर रहा है, ऐसे अहम समय में भारत का संविधान ही हमें रास्ता दिखा रहा है, हमारे लिए गाइडिंग लाइट बना हुआ है। साथियों, भारत के भविष्य का मार्ग अब बड़े सपनों, बड़े संकल्पों की सिद्धि का है। आज हर देशवासी का एक ही ध्येय है, विकसित भारत का निर्माण। विकसित भारत का मतलब है जहां देश के हर नागरिक को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके, डिग्निटी ऑफ लाइफ मिल सके। ये सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का भी बहुत बड़ा माध्यम है और ये संविधान की भी भावना है। इसलिए बीते वर्षों में देश में लोगों के बीच आर्थिक और सामाजिक समानता लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बीते 10 वर्षों में 53 करोड़ से ज्यादा ऐसे भारतीयों के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते थे। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ ऐसे भारतीयों को पक्का घर मिला है जो कई कई पीढ़ियों से बेघर थे। बीते 10 वर्षों में 10 करोड़ से ज्यादा ऐसी महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है जो बरसों से अपने घर में गैस पहुंचने का इंतजार कर रही थी। हमें आज के जीवन में बहुत आसान लगता है कि घर में नल खोला और पानी आ गया, लेकिन देश में आजादी के 75 साल बाद भी सिर्फ 3 करोड़ घर ही ऐसे थे
जिनमें नल से जल आता था। करोड़ों लोग तब भी अपने घर में नल से जल का इंतजार कर रहे थे। मुझे तो ये